वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी उपस्थित है मिर्जा चौकी रेलवे स्टेशन पर, और गाइज आप लोगों को बता दूं मिर्जा चौकी वासियों को मिला खुशखबरी, क्योंकि गाइज मिर्जा चौकी में दानापुर इंटरसिटी रुकती नहीं थी और गया हावड़ा भी नहीं रुकती थी, और दो दो ट्रेन का स्टॉपेज मिल गया है मिर्जा चौकी वासियों को। और 7 तारीख को गया हावड़ा गई है और 8 तारीख से दानापुर इंटरसिटी का कंटिन्यू पूरी रूप से संचालन है। तो चलते दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिएगा। और तो हम लोगों को काफ़ी दिक्कत का भी सामना करना पड़ता होता था, क्योंकि यार जब 11 बजता था तो 11 बजे के बाद कोई ट्रेन ही नहीं था। एक गया था जिसे माया ही नहीं रहता है, गया ट्रेन को माया ही नहीं रहता यार, कब पहुँचाएगा नहीं पहुँचाएगा। और जो इंटरसिटी था, इंटरसिटी को पकड़ने के लिए हम लोगों को पीरपैंती जाना पड़ता था और नहीं तो साहेबगंज जाना पड़ता था। और काफ़ी बेहद खुश हुए कि हम लोगों को मिर्जा चौकी में ही इंटरसिटी का स्टॉपेज मिल गया और गया हावड़ा का भी स्टॉपेज मिला है। तो चलते हैं दोस्तों। तो काफ़ी लोग अभी भी कंफ्यूज है कि यार ट्रेन नहीं रुकती है या रुकती है। तो यार ट्रेन तो 7 तारीख से ही स्टार्ट है और 8 तारीख से दानापुर इंटरसिटी, दोनों ट्रेन कंटिन्यू अपने टाइम से निर्धारित चलती है। और चलते हैं, आज आप लोगों को लाइव दिखाने वाले हैं, दानापुर इंटरसिटी से ही सफ़र करेंगे और चलते हैं दोस्तों। इश्क है तो हमरे से हम के चुरा ला। फाइनली अपना ट्रेन भी आ गई है दानापुर इंटरसिटी, और चलते हैं अभी दोस्तों इसी पे चलेंगे और चलेंगे अभी, मुझे जाना है पीरपैंती और चलते हैं। लाइव देख सकते हैं दानापुर इंटरसिटी रुकी हुई है, और आप लोग काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार दानापुर इंटरसिटी नहीं रुकती है मिर्जा चौकी में, यार देख लो रुकी हुई है ना। तो काफ़ी खुशी मिला, काफ़ी खुशी होता है कि यार यहाँ दो दो ट्रेन का स्टॉपेज मिला है, और ये ट्रेन पहले रुकती ही नहीं थी यार, हम लोगों को जाना पड़ता था पीरपैंती या साहेबगंज। और चलते हैं दोस्तों, पहले इससे चलते हैं। चलने लगी है हवाएं सागर भी, तो हरे प्यार के जादू। तो सो गाइस फाइनली पहुंच गए पीरपैंती, और पीरपैंती तक ही आना था मुझे, काफ़ी अच्छा सफ़र रहा पीरपैंती तक का। और गाइस बोले तो 10 मिनट ही लगा, 3:01 में मिर्जा चौकी टाइम है और यहाँ 3:12, 10 मिनट 11 मिनट लगा, और काफ़ी खुश हुए यार कि 10 मिनट में ही आ गए। नहीं तो हम लोगों को 11 बजे अगर गया पैसेंजर मिलती तो गया पैसेंजर के चक्कर में हम लोगों को यही 3 बजा देती यार, गया पैसेंजर कभी 2 बजा देती कभी 3 बजा देती, ऐसे करके काफ़ी टाइम का भी बचत हुआ और काफ़ी खुश हुए। और सो दोस्तों मिर्जा चौकी वाले भैया कितना खुश हुए, दो दो ट्रेन मिला है आप लोगों को, स्टॉपेज मिला, दो दो ट्रेन का स्टॉपेज मिला, कितना खुश है आप लोग, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा यार। तो चलते दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक मेरे पेज को फॉलो नहीं किया तो ज़रूर पेज को फॉलो कर लीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी नेम से है राज टेक धीरज, जिस नेम से फेसबुक है उसी नेम से यूट्यूब चैनल है। तो चलते दोस्तों, बाय बाय।